नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अंडरेट में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गणतंत्र दिवस पर जारी रहेगा अमृत महोत्सव कार्यक्रम, भोपाल में आयोजित हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करना उद्देश्य। देवास में जेल खेल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, जिला जेल में कैदियों ने दिखाई अपनी प्रतिभा, अमृत महोत्सव के तहत हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। और देवास के अमरदास इंस्टीट्यूट का वार्षिक उत्सव समारोह, कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल ने की शिरकत, राज्यपाल ने की सम्मान पाने वाले छात्रों की प्रशंसा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जाना है, ऐसे में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रदेश के होनहार कलाकारों का मनोबल बढ़ाने को लेकर NSPR टैलेंट हंट और अटल कलाम अवार्ड ऑफ द ईयर सांस्कृतिक कार्यक्रम भोपाल में आयोजित होगा। इस फिनाले कार्यक्रम के ऑडिशन शनिवार को शहर के एक निजी होटल में हुए, जहां होनहार कलाकारों ने अपने हुनर का जलवा दिखाया। इस ऑडिशन में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हर उम्र के प्रतिभागियों ने ऑडिशन देते समय अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिससे जजेस हैरान रह गए। बता दें, NSPR संस्था प्रदेश के कलाकारों के लिए पिछले कई सालों से लगातार कार्य कर रही है, जिससे उन्हें बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म दिलाया जा सके और मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाई जा सके। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो सके और प्रदेश के कलाकारों को रोजगार का अवसर मिल सके। NSPR टैलेंट हंट आप 5वां साल है, हर साल ये टैलेंट हंट भोपाल में बोट क्लब पे आयोजित होता है, और जिसके अंदर जो टैलेंट होता है एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब यहाँ पे आपने देखा, कुछ बच्चियाँ आई हुई हैं, कुछ महिलाएं हैं जिसने मेहंदी का कॉन्सर्ट लेके आई हैं, तो ऐसे बहुत सारे हुनर जो वहाँ पे हम हुनर के उस्तादों को मंच प्रोवाइड कराते हैं NSPR हमारी जो संस्था है। और 26 तारीख को उसका ग्रैंड फिनाले जो है बोट क्लब पे रखा गया है। इसके ऑडिशन ऑल ओवर MP में हो रहा है। आज एक तो नया साल है, और इसी के साथ साथ पूरे शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई दूंगा, और उसी के साथ आज हमने 1 तारीख को भोपाल में ये ऑडिशन रखा है। 1 जनवरी साल की शुरुआत में भोपाल ऑडिशन रखा गया। देवास की जिला जेल में कैदियों के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित जेल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विगत 5 दिनों से चल रहे कार्यक्रम का समापन शनिवार को सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ। जेल अधीक्षक हिमानी वनवारे और जेलर जवाहर सिंह मंडलोई ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त खेल महोत्सव के तहत कैदियों ने शतरंज, कैरम, कबड्डी, वॉलीबॉल, रंगोली, मेहंदी और चित्रकला सहित अन्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन समापन अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें कैदियों ने अपनी प्रतिभा दिखाते हुए एक से बढ़कर एक रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इसके बाद प्रतियोगिता के विजेता कैदियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। देवास के अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्फनी 2021 का पुरस्कार और वार्षिक उत्सव समारोह उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने से इस कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। राज्यपाल ने सम्मान पाने वाले छात्रों की प्रशंसा की, साथ ही अमलतास अस्पताल द्वारा कोरोना काल में की गई सेवा पर भी प्रशंसा की गई। उन्होंने कहा कि अमलतास अस्पताल में कई बुनियादी सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक व्यवस्थाएं भी हैं। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में अमलतास संस्थान की प्रशंसा करते हुए कोरोना काल में संस्थान द्वारा किए गए सहयोग और सेवा के लिए धन्यवाद दिया है। भोपाल में 4 साल की मासूम बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया है। यहां बाग सेवनिया इलाके की अंजलि विहार फेज 1 कॉलोनी में कुत्तों ने मासूम को कई जगह पर काटा, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया। अब स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी निगम ने कुत्तों को नहीं पकड़ा, जिससे इस तरह की घटना घटित हो रही है। बता दें, स्थानीय लोगों में घटना के बाद से काफी आक्रोश है। बदनावर में बीती रात ट्रक की टक्कर से बाइक सवार अज्ञात व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि नया गांव 4 लेन पर ग्राम मनासा के पास बाइक सवार ट्रक की चपेट में एक युवक आ गया। इस घटना में मोटरसाइकिल ट्रक में फंसकर करीब 300 फीट दूर चली गई। इस हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार है। वहीं सूचना मिलने पर कानवन पुलिस मौके पर पहुंची और टोल प्लाजा की एम्बुलेंस की मदद से मृतक को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस की जांच पड़ताल जारी है।
फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।